केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो से बीजेपी एमपी में असहज हो गई है। किसी बाहर के कारोबारी से वीडियो चैट करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो गया था। पहले में 100 करोड़ तो दूसरे में 500 करोड़ की बात हो रही थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में एक व्यक्ति सफाई दे रहा है। वो कह रहा है कि पुराने वीडियो में मेरे साथ नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की बातचीत हो रही है। वो खुद को कनाडा का व्यापारी बता रहा है। साथ ही कह रहा है कि 100-500 नहीं 10,000 करोड़ की डील है। एक और वीडियो के सामने आने से एमपी की सियासत में तूफान आ गया है। मामले को लेकर बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी थी। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कद्दावर नेता है। पार्टी ने उन्हें दिमनी विधानसभा से उम्मीदवार भी बनाया है। लेन देन वाला वीडियो उनके बड़े बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का है। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक्स पर दो पोस्ट लिखे। पहले पोस्ट में तोमर ने लिखा, आज सोशल मीडिया पर एक कूट रचित वीडियो मेरे बेटे से संबंधित वायरल किया गया। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जो चुनाव के समय विपक्ष के द्वारा जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। दूसरे पोस्ट में मामले की पुलिस से जांच की बात कही गई। तोमर ने लिखा, पूर्व में इस तरह के झूठे वीडियो के संबंध में मेरे पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने पुलिस जांच हेतु आवेदन भी किया था। मैं आज पुनः इस वीडियो की CFSL जांच हेतु एजेंसियों से मांग करता हूं, ताकि सत्य बाहर आ सके और षड्यंत्र उजागर हो सके। बता दें, एमपी चुनाव में वायरल वीडियो ने तूफान मचा रखा है। कुछ दिनों पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। 5 नवंबर को उस वीडियो की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था। 14 नवंबर को ही ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीडियो को फर्जी बताया था और उसके कुछ देर बाद ही दूसरा वीडियो भी सामने आ गया, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। वहीं कांग्रेस लगातार इसको लेकर जवाब मांग रही है।